मैं तो इसलिए हाजिर हुआ कि अभी हमारा जो सेशन है उर्दू के मोस्ट सेलिब्रेटेड फिक्शन राइटर को आज हमने बुलाया है और उनकी बहुत हमजद शख्सियत है। वैसे तो उन्होंने ड्रामे भी लिखे, कॉलम्स भी लिखे, सफ़रनामे तो ऐसे लिखे कि पढ़ पढ़ के लोग सर धुनते हैं, लेकिन जो उनका असली काम है, जो उनके नावल हैं और जितने लोगों ने उन्हें पढ़ा है, जितनी उनकी रीच है, मैं समझता हूँ कि मुश्किल से कोई राइटर की इतनी रीच होगी या उसकी किताबें इतनी बिकती होंगी। तो उतने ही शानदार तरीके से हमारे नामवर राइटर, द मोस्ट सेलिब्रेटेड राइटर ऑफ पाकिस्तान, मैं चाहता हूं कि आप सब भरपूर तालियां बजाएं और मुस्तनसर हुसैन तागर साहब को हम यहां बुलाएं। मैं दरख्वास्त करूंगा शमीम हनफी साहब से, जो हमारे तो घर के बुजुर्ग भी हैं और सभी कुछ हैं, और हिंदुस्तान से जो भी लोग आते हैं ये उसका न्यूक्लियस हैं, बाकी लोग बदलते जाते हैं और इनके इर्द गिर्द एक नई कहकशां खड़ी होती चली जाती है। तो शमीम हनफी साहब को मैं बुलाऊं। आप तशरीफ रखिए सर, आप यहीं बैठिए ये बीच में। और अब मैं दरख्वास्त करूंगा अपने दोस्त से जो एक बहुत अच्छा शायर और नकाद हैं, जनाब ज़ियाउल हसन साहब के, वो तशरीफ लाइए। और अब मैं ज़हमत दूंगा उर्दू के एक जिंदा कहानी लिखने वाले अदीब इकबाल खुर्शीद को कि वो यहाँ तशरीफ लाएं और इस सेशन को शुरू करें। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से, तमाम अहबाब की खिदमत में इकबाल खुर्शीद का सलाम। 11वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के इस बेशकीमत सेशन में खुश आमदीद, जिसमें हम एक एहसास तख्लीककार को खराज तहसीन पेश करेंगे और साथ ही इस सेशन में उनके ताज़ा नावल की तकरीबी रोनुमाई का भी अहतमाम किया गया है। तार साहब को अहमद शाह साहब स्टेज पर बुला चुके हैं और मुख्तसर तारुफ भी कराया, लेकिन ये मेरी जिम्मेदारी है कि चंद लफ्ज़ एक मुख्तसर से तारुफ उनका करवाऊँ। तो हज़रत गब्राइल गार्सिया मार्केज़ ने चे गवेरा से मुतालिक कहा था कि मैं उसके बारे में सैकड़ों बरस तक लाखों सफ़ात लिख सकता हूं, लेकिन तारड़ साहब से मुतालिक फ़िलहाल कोई भी ऐसा दावा मुनासिब नहीं होगा, चूंकि हमारे पास सैकड़ों बरस नहीं है, एक घंटा है जिसका हम एहतराम करेंगे। तो आपके चंद मिनट लूँगा। तारड़ साहब, आप अपना तारुफ़ हैं, 1939 में लाहौर में पैदा हुए, गुजरात के काश्तकार घराने से इनका ताल्लुक़ है। इन्होंने उर्दू अदब पर इतने गहरे असरात मुरतब किए कि जो इनसे पहले गुजरे थे उनकी याद हमारे जहनों से महव हुई और जो इनके बाद आए उन सब के सर एहतरामन इनके सामने झुक गए। आपकी शुक्रिया। आपकी कई जहतें हैं, सफ़रनामा नवीस, फिक्शन निगार, अदाकार, स्क्रिप्ट राइटर, टीवी मेज़बान और हर शोबे में अपनी मिसाल आप। कहा जा सकता है कि तारड़ साहब ने जिस शय को हाथ लगाया उसे सोना बना दिया। 400 ड्रामों में लीड, मकबूल तरीन मॉर्निंग शो की मेज़बानी, मगर शोबिस की कहानी के लिए एक अलग नशिस दरकार है, तो अपनी तवज्जो अदब पर मरकूज़ रखते हैं। 70 से ज़ायद कुतुब आपके कलम से निकली जो अपने मैदान में मकबूल तरीन ठहरी। निकले तेरी तलाश में ने उर्दू सफ़रनामे में नई जहत मुतारिफ करवाई। प्यार का पहला शहर उर्दू नावल की सिंफ में बेस्ट सेलर ठहरा, जिसकी अब तक 76 एडिशन शायद हो चुके हैं, जो गालिबन एक रिकॉर्ड है। मेरे काफ़ी काफ़ी है। अच्छा, तारड़ साहब खुद ही ये कह रहे हैं कि तारुफ़ काफ़ी है, जैसे मैंने आपसे कहा था। तो बस आखिरी दो सत्रें के, तारड़ साहब को दोहा कतर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दिया गया, गुज़िश्ता बरस सितारा इम्तियाज़ इनके हिस्से में आया, लेकिन असल मोहब्बत असल अवार्ड जो है वो आलमगीर मोहब्बत है जो इन्हें मिली और जिस मोहब्बत को हम इस बीतते लम्हे में भी महसूस कर सकते हैं। तो साहब, गुफ्तगू का आगाज करते हैं, आपको खुशामदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो इन दिनों नॉर्मली मैं कहीं भी किसी महफिल में जाता था तो अस्सलाम अलैकुम ख्वातीनों हज़रात कह के गुफ्तगू का आगाज़ कर देता था,
लेकिन पिछली बार एक इसी तरह के लिटरेरी सेशन में मैंने जब ये कहा कि अस्सलाम वालेकुम ख्वातीनों हज़रात, तो बाद में दो ख्वातीन नुमा चीज़ें मेरी तरफ आईं और उन्होंने मुझसे शिकायत की। उन्होंने कहा कि हाय हाय सदके जाऊँ, हमें भूल गए आप। और उसकी बेसिक वजह यह है कि आप जानते ही हैं कि इन दिनों थर्ड जेंडर के हवाले से जो गुफ्तगू हो रही, ख्वाजा सराओं को आईडी कार्ड्स भी मिल रहे हैं, वोटिंग के राइट्स भी मिल रहे हैं, और वो डिमांड करते हैं कि हमारी एक अलहदा शनाख्त है। तो इसलिए अस्सलाम वालेकुम ख्वातीनों हज़रात, और आप में जो भी थर्ड जेंडर में है उनको भी सलाम। मैं इन दिनों मेरी इन दिनों मांग बहुत है, बहुत है। जितने भी लिटरेरी फेस्टिवल होते हैं, फंक्शन होते हैं, और आम तौर पे इस तरह कहा जाता है कि तार साहब आएँ। अच्छा, मैं माजरत करता हूँ, 80 के करीब हो गया हूँ, तो वो कहते हैं कि देखें कल पता नहीं आप होते हैं या हम होते हैं, क्या पता। अब उनका मुझे पता है कि क्या मतलब है, कि वो हमने तो होना ही है, आपने नहीं होना। तो ये एक एज पे इन दिनों चल रहे हैं। बल्कि 3-4 महीने पहले मुझे एक ख़त आया, तो एक साहब ने लिखा, अपनी मोहब्बत का इजहार किया कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मैंने ये पढ़ा है। तो उन्होंने लिखा कि मेरे 3 बहुत फेवरेट मुसन्निफ़ से हैं, अशफाक अहमद, मुमताज़ मुफ्ती और आप। तो वो दोनों फौत हो गए हैं, तो आप मुझसे जल्द अज जल्द मिल लें। तो आप समझ सकते हैं, चलिए यहाँ तक तो ठीक था। पता नहीं हुसैना मोइन यहाँ बैठी हुई या नहीं, हसीना ने कमाल कर दिया, ड्रामों में भी करती हैं, हमारे साथ भी आज कर दिया कमाल। हम वहाँ पे खड़े हुए थे, तो यहाँ सदारत के लिए हमने आना था, तो मुझे कहने लगी कि तारिक साहब आप ऊपर जाएं, मैं नीचे रहूँगी। अब देखें ये कैसे दोस्त है कि हमें ऊपर भेज रहे हैं। तो बाहर तौर ये एक अच्छा, अब ये जो इंट्रोडक्शन की बात जो इकबाल को मैंने कहा, तो मुझे एक छोटा सा इंसिडेंट याद आता, उसके बाद बाकायदा गुफ्तगू शुरू करेंगे। कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जब बहुत ज़्यादा अभी मशहूर नहीं हुए थे, तो अपने एक दोस्त के साथ जा रहे थे किसी कॉकटेल पार्टी में, तो दोस्त ने कहा कि बर्नार्ड वहाँ पे देर बी फ्यू पीपल हु विल नो यू एंड देर बी फ्यू पीपल हु वोंट नो यू, तो मैं जो तुम्हें नहीं जानते उनके साथ तुम्हारा तारुफ कैसे करवाऊँ। तो शॉ ने ये कहा कि जो लोग मुझे जानते हैं वो तो जानते ही हैं, और जो लोग नहीं जानते वो मुझे जानना डिज़र्व ही नहीं करते। तो इसलिए जो लोग मुझे नहीं जानते, अच्छी वाली खुश व खुर्रम जिंदगियां बसर कर रहे हैं, उन्हें ये तफसील बताने की ज़रूरत नहीं है। और मैं आपके जिस तरह आपने इस्तकबाल किया, जिस तरह आपने मोहब्बत की, मैं इस लायक नहीं हूँ, वाकई इस लायक नहीं, और मुझ में इंकसारी हरगिज़ नहीं है। मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने और लोगों की मोहब्बत ने मुझे मेरी औकात से बहुत बढ़ के इज्जत दी। अच्छा तार साहब, हमने सुना सेकुलरिज्म, हमने सुना कम्युनिज्म, फेमिनिज्म, फिर हमें पता चला कि उर्दू फिक्शन में भी कोई इज्म है जनाब, जिसे तारडिज्म कहते हैं। तो पता चला मुल्क भर में आपके मद्दा हैं, रीडर्स क्लब बने हुए हैं, महीने दो महीने में मिलते हैं, आपकी किताबें पढ़ते हैं, तजिए तबसरे करते हैं। तो उर्दू की मौजूदा सूरत हाल देख कर मुझे तो इस फिनोमिना पर बड़ी हैरत होती है, आप भी थोड़े बहुत हैरान होते हैं इस पर? नहीं जी, मैं कतई हैरान नहीं मुझसे पूछा जाता है कि आपकी किताबें इतनी ज़्यादा क्यों बिकती हैं, तो मैं कहता हूँ कि इसलिए कि मैं अच्छी किताबें लिखता हूँ। वो बेसिकली ये है कि ये जो रोना रोया जाता है कि इन दिनों लिटरेचर नहीं पढ़ा जा रहा, उसकी तफसील में मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन एक ज़माना था, और सबको मालूम है कि एक एडिशन किताब का शाया होता था और साल हर साल वो पढ़ा रहता था। अशफाक साहब की उजले फूल 10-12 साल पढ़ी रही। असल में 2-3 चीज़ें माने थी। नंबर 1 कि डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। मेरा ये तजर्बा है
कि पाकिस्तान में अगर कोई एक शायरी की किताब छपती है, कैसी भी छपती है, अगर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन सही है तो वो कम से कम 20,000 फरोख्त हो सकती है, और वो नहीं होती ड्यू टू लैक ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद ये है कि आहिस्ता आहिस्ता अब लोग कहते हैं कम पढ़ रहे हैं। आज इंतज़ार हुसैन, अशफाक अहमद, शफीकुर रहमान, यूसुफी साहब, इस तरह के दर्जन भर मुसन्नफीन ऐसे हैं, कृष्ण चंद्र बेदी, जिनकी किताबों के दर्जनों एडिशन आ रहे हैं और वो फरोख्त हो रहे हैं। अब जिस तरह इसने, क्योंकि ऐसे ही बात कर दी तो मैं उसको कि मेरी किताब है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मुझे फ़ख्र तो नहीं है, प्यार का पहला शहर, उसके 76 एडिशन आए, डीलक्स एडिशन अभी जी। तो वो ये कि भाई लोग पढ़ते हैं तो ये किताबें छपती हैं ना। हाँ, कई लोग अब वो कैंडल के साथ पढ़ते हैं, कई नेट पे चले जाते हैं, मुख्तलिफ तरीके हैं, लेकिन किताब बीनी जो है उसमें कमी हरगिज़ पैदा नहीं हुई। ये मेरा ख्याल है कि पहले से बहुत आगे चलेगी। एक एक मसला जो मैं आखिरी में बयान करना चाहता हूँ, हमारा जो अहद था, मतलब मिर्ज़ा अदीब वगैरह जो हम तो नौजवान थे, वो जो कासमी साहब का आप जान सकते हैं, मैं उसको एज ऑफ इनोसेंस कहता हूँ। मैं गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ता था, मैं लक्ष्मी मेंशन में रहता था, करंटे और करंटियों के साथ खेलता था, बड़ी अच्छी अंग्रेज़ी थी, बहुत अच्छे ख़ानदान वगैरह। इंग्लैंड गया तो मुझे कतई तौर पे ये मुझे कह देना चाहिए, मुझे नहीं पता था कि जो बच्चा पैदा होता है वो कैसे होता है। ओके, हम इतने मासूम लोग, तो उस मासूमियत के ज़माने में मसलन मिर्ज़ा अदीब ने सहरा नवर्द की खजूत लिखी, क्लासिक हमारा है। मिर्ज़ा अदीब भाटी गेट से बाहर कभी नहीं गए थे, लेकिन अब यह है कि लोगों ने सहरा देख रखे, वो जगह देख रखी हैं, आप उनको मैसमराइज नहीं कर सकते सिर्फ लफ्ज़ों के साथ। तो सूरत हाल ये हुई है कि वो जो पूरा एक लिटरेचर की अंबार उनको सब कुछ मिलता है, वो पढ़ते हैं, तो पहले रीडर पीछे होता था और राइटर आगे होता था, थोड़ा सा सुपीरियर होता था। अब यह है कि वो रीडर इतना अवेयर हो गया है कि वो आगे इसलिए चला गया है कि वो आपसे डिमांड करता है कि या तो आपके लिटरेचर में वही क्वालिटी होनी चाहिए जो इंटरनेशनल लिटरेचर में, और अगर नहीं तो मैं क्यों अपना वक्त ज़ाया करूँ। चुनांचे बुनियादी ये है कि राइटर जो है अब उसको कोशिश करनी चाहिए कि वो रीडर तक पहुँच सके, रीडर तक पहुँच। अच्छा, अभी हम बहाव के तस्करे पे आए थे तो आपने कहा कि बस मेरा तारुफ इतना काफ़ी है, तो बहरहाल बहाव का तस्करा ज़रूरी है लेकिन उसके लिए अलग नशिस्त दरकार। गोपी चंद नारंग ने कहा था कि उर्दू फिक्शन से मुतालिक वो तीन हुसैनों के कायल हैं, इंतज़ार हुसैन, अब्दुल्ला हुसैन और मुस्तनसर हुसैन तारड़। तो इस पर भी आपका फीडबैक चाहूँगा, और ये भी पूछना चाहूँगा कि आप किन के कायल हैं, आप किन्हें पढ़ते हैं, किन्हें पढ़ने का मशवरा देंगे। नहीं, पहले तो मैं इस स्टेटमेंट के बारे में कहना चाहता हूँ, नारंग साहब ने पता नहीं किस आन में ये स्टेटमेंट दे दी कि हम फिक्शन में तीन हुसैनों को मानते हैं, इंतज़ार, अब्दुल्ला और मुझे। तब मैं बहुत खुश हुआ था क्योंकि मैं उन सबसे जूनियर था। अब उनकी रुख्सती के बाद मैं बहुत तन्हा इसलिए महसूस कर रहा हूँ कि शायद मेरी बारी आने वाली, तो मुझे अब ये स्टेटमेंट खुशी नहीं देती। मेरा ख्याल है कि मेरे साथ दो और जो जूनियर अदीब हैं उनका इजाफा कर लीजिए ताकि मेरी ढारस बनती रहे। तो आप ही इजाफा कर, मैं कौन से अदीब, मैं बहुत ज़्यादा, मैं मेरी एक बहुत, ये मेरी खामी है, बुनियादी तौर पे अगर मैं राइटर ना होता तो मैं सिर्फ एक रीडर होता, मसलन ज़ाहिर डार की तरह, किताब के बगैर मैं रह नहीं सकता। और किताब अब ज़्यादातर जो आला किस्म का लिटरेचर है, उर्दू लिटरेचर, बहुत सारे लोग नाराज़ हो जाते हैं लेकिन ये बहुत लिमिटेड है, मतलब है कि हमने एक ख़ास क्लास तक वो सारा उर्दू लिटरेचर चार्ट डाला था, उसके बाद वो ख्वाहिश होती है मज़ीद और की। तो इंटरनेशनल लिटरेचर बहुत कुछ लिखा जा रहा है, मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता, लेकिन मेरे फेवरेट्स जो हैं मसलन इस्माइल कदारे हैं अल्बानिया के, और मैं समझता हूँ कि भाई दो ऐसे मुसलमान, सो कॉल्ड मुसलमान कह लीजिए, सो कॉल्ड मुसलमान राइटर हैं, एक इस्माइल कदारे और एक यास्मीन खदरे, ये दोनों नोबेल प्राइज़ डिज़र्व करते हैं। इस्माइल खदारे का जो है पैलेस ऑफ ड्रीम्स, उस जैसा नावल पूरी दुनिया में नहीं लिखा गया, या उसकी डेड मैन, डेड जनरल्स आर्मी वगैरह वगैरह, तो ये मेरे फेवरेट हैं।
गार्सिया वगैरह तो हैं ही, लेकिन और बहुत से नए आ रहे हैं। हाँ, मैं आई एम फॉरगेटिंग, जो मेरा टॉप के ऊपर है वो है होसे सारामागो। हाँ, तो होसे सारामागो के नावल मुख्तलिफ उनकी तफसील में क्या जाना, तो मैं बस पढ़ता रहता हूँ कंटिन्यूसली। अभी जो हाल में मैंने नोराकामी का एक नया नावल आया है वो पढ़ा है। काफ्का ऑन द शोर? जी नहीं, काफ्का ऑन शोर नहीं, वो तो पुराना है ना, अब लेटेस्ट आया। अच्छा, उसके बाद इसका आया है पालो कोलो का, उसका नाम है हिपी। अच्छा, बहुत ही फजूल नावल है। तो पालो कोलो मतलब है कि कुछ ज़्यादा ओवर रेटेड है, आसानी से समझ आ जाता है, लेकिन अभी उसके साथ एक कनेक्शन है जो अभी सामने आएगा। मेरी किताब जो है नावल मंतकुल तैर जदीद, उसके हवाले से थोड़ी सी बात है कि अगर आप अल्केमिस्ट पढ़ें तो अल्केमिस्ट इज़ बेसिकली इंस्पायर्ड बाई मंतकुल तैर फरीदुद्दीन अत्तार की किताब का, यानी उसमें भी वो जिस ख़जाने की उसे तलाश होती है गडरिए को, वो सारी दुनिया घूम आता है, लेकिन वो ख़जाना उसे वहीं मिलता है जिस दरख्त के नीचे वो बैठता है, यानी सच आप ही हैं। तो वो पढ़ा है, मेरे बहुत अजीज़ दोस्त हैं मोहम्मद हनीफ, आजकल यहाँ नहीं है, उनका नया आया है रेड बर्ड, वो पढ़ा है। तो बस इस किस्म का मुताला मैं करता रहता हूँ। एक जो बहुत, क्योंकि मुझे कंपैरेटिव रिलीजन का भी है, तो हिस्ट्री ऑफ जुडाइज्म एक बहुत ज़खीम किताब आई है, बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर आपको इंटरेस्ट हो इन चीज़ों में तो मैं रिकमेंड कर सकता हूँ। जी, मंतिक तैर जदीद पे बात करने से पहले एक सवाल करना चाहूँगा, अवार्ड्स, मोहब्बत, तालियाँ, ये एक सक्सेस स्टोरी है आपकी लाइफ, लेकिन हर कामयाबी के पीछे नाकामियाँ होती हैं, मायूसियाँ होती हैं, तो ये मराहल भी तो आए होंगे, इनसे कैसे नबर्द आजमा हुए, उन लम्हात में किस चीज़ से रोशनी मिली? अच्छा, मुझे ये सवाल ज़्यादा सुनाई नहीं दिया, इससे पहले मैं एक एतराफ़ करना चाहता हूँ, ताकि अगर ये सवाल कुछ करे और मैं जवाब उसका कुछ दूँ तो आपको पता हो कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये कुछ 3-4 साल पहले की बात है कि मैं टेलीफोन आता था तो वो मैं कान से लगाता था, तो इस कान को लगाता था तो कोई होता नहीं था तो मैं बंद कर देता, वो दोबारा आता था तो मैं दोबारा इस तरफ करता था तो आवाज़ सुनाई देती। चुनांचे डॉक्टर से कंसल्ट किया, उन्होंने कहा जी ये इस कान से आप मुकम्मल बह रहे हैं और इसमें को 40-50% है। चुनांचे यही पिछले साल ऑक्सफोर्ड में यही मैंने बात सीरियसली की कि जी मेरी ये मसल, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा लोग हों तो वो जो शोर होता है उसमें मुझे लगता है कि जैसे चिड़ियाँ और तोते बोल रहे हैं, मतलब मुझे पता नहीं चलता कौन क्या कह रहा है, और फिर उसमें कव्वे बोलने लगते। तो मैंने अपनी जानिब से एक मतलब है कि एक माजरत की कि जी इस तरह मैं बह रहा हूँ तो दूना चाहिए होना इल्तफात वगैरह। तो आप जानते हैं कि हर महफिल में आई एम श्योर के यहाँ नहीं होंगे, कोई ना कोई एक दो मुतफन्नी शख्स बैठे होते हैं और उनका काम होता है कि उल्टा सीधा सवाल करना और लोगों से दाद हासिल करना। तो इसका मतलब है यहाँ पे कोई? तो वहाँ पे एक साहब खड़े हो गए, कहने के ताहर साहब पहले आप ये बताइए कि आप कौन से कान से बह रहे हैं। मैंने कहा जी इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं कौन से कान से बह रहा हूँ। तो आप कहने के नहीं, आप जब तक ये नहीं बताएंगे कि आप कौन से कान से बह रहे हैं हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। तो मैंने कहा हजूर बात ये है कि ये मेरी सवाबदीद पर मुनसर होता है कि मैं कौन से वक्त कौन से कान से बह रहा हूँ। तो ये सिर्फ मैंने एक्सप्लेनेशन के तौर पे। अच्छा, अब आप सवाल दोहरा दीजिए। अब मैं दूसरा सवाल कर लेता हूँ सर। ए गज़ाले शब जो आपका नावल है, ए गज़ाले शब जिसका भी अंग्रेज़ी में तर्जुमा भी हुआ लेनिन फॉर सेल के नाम से, तो ये बेहद अहम नावल है। उसके बाद फिर एक वफ़ा आ गया था, आपने कॉलम लिखे, आपने सफ़रनामे लिखे, लेकिन फिक्शन नहीं लिखा, फिर मंतिक तय जदीद आया, तो ये वफ़ा कैसे ख़त्म हुआ और इस नावल की कुछ कहानी मुख्तसरन हमसे बयान की। मंतिक तायर के बारे में? जी जी जी, एक गज़ाले शब के बाद जो वफ़ा आया और फिर मंतिक। अच्छा, गज़ाले शब के बारे में मैंने एक बात करनी है, जी जी दिला दीजिएगा। दरअसल एक खातून ने पीएचडी की, तो उसने वो जो थीसिस में जो भी वो सिट्टा निकालते हैं, उन्होंने कहा जी कि तारल के जो एलिमेंट्स हैं तीन हैं राइटिंग्स में, पानी, परिंदे और मौत। पानी, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे तकरीबन हर नावल में कोई ना कोई दरिया होता है,
और वो अक्सर सूख भी रहा होता है, मतलब सरस्वती है बहाव में या रावी है राख में, कुर्बत मग में चनाब है, इंडस है वगैरह वगैरह। तो ये वो पानी मौत के साथ मेरी एक है, एक परमानेंट एक फ्लर्टेशन कह लें मेरे मुख्तलिफ नावल्स में सफरनामों में, बल्कि 2-3 साल पहले मौत मेरे बारे में बहुत सीरियस हो गई क्योंकि फ्लर्ट जो करता रहा उससे तो उसने ज़रा रफाकत की, परमानेंट रफाकत की ख्वाहिश की, तो मैंने उनसे माजरत की, मैंने कहा देखे मैं सिर्फ जिन लोगों से भी फ्लर्ट करता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि उनके साथ शादी भी कर लूँ। तो तीसरा जो एलिमेंट है वो मेरे कुछ ऑपरेशन ऐसे हुए थे जो मैं उनकी तफसील बयान नहीं करना चाहता। एक छोटी सी कि जब मुझे दूसरी या तीसरी मरतबा ले जा रहे थे और ख़ासे बच्चे भी पहुँच गए थे, वो मौलवी साहिबान का भी इंतज़ाम कर लिया सफ़ों वगैरह, तो मैं जा रहा था तो नीम बेहोशी में था, तो मैंने देखा कि एक लको दक सहरा है, क्योंकि मौत का मुझे बहुत तजर्बा एक और भी हुआ, और वो सहरा स्लेटी रंग का है और डेसोलेशन है, और उसके दरमियान में मेरी माँ खड़ी, और माँ ने वही देसी कपड़े पहने हुए हैं जो नॉर्मल माएँ पहनती हैं, और उसके दुपट्टे में वही खुशबू आई कुड सी जब मैं उनको आगोश में वो मुझे लेती थी तो उनके दुपट्टे से ख़ास खुशबू आती थी जो दुनिया की सबसे खूबसूरत महक है। एक दफ़ा वो महक बिछड़ जाए तो फिर दोबारा नसीब नहीं होती, तो आप जिनकी माएँ हैं ना उनसे आप वो महक हासिल करें जब भी आपको मौका मिले। तो वो तो मैंने उनसे ये पूछा, एक सवाल किया, ये वाहिद तजर्बा है इस किस्म का, मैंने कहा अम्मी तुसी इत्थे किथे, ज़ाहिर है कि जब आप ख्वाब में होता है या जब वो असल में आता है तो अपनी मादरी ज़ुबान में बात कर। मैं कहा अम्मी जी तुसी की करना है, एंड मेरी माँ ने कहा मैं तेनू वेखण आई हूँ, एंड दैट सेंटेंस कि मैं तुम्हें देखने आई हूँ, उस नीम बेहोशी के आलम ने उसने मुझे स्ट्रेंथ दी कि इन्होंने कहा है मैं तुम्हें देखने आई हूँ, अगर कोई और सिलसिला होता तो ये कहती कि मैं तुम्हें लेने आई। तो बहरहाल ये मौत का तजर्बा। तो अब आ जाते हैं हम परिंदों की तरफ। तो आज से 50 साल पहले फरीदुद्दीन अत्तार मेरे मुर्शद, उनका यही नावल पढ़ा, नज़्म तवील जो है मंतकुल तैर, और जितनी भी समझ आई उसके बाद वो मेरे हवास पे सवार रहा। जिस बाकायदगी से उस नावल को मैंने पढ़ा है, यानी हर साल 2 साल बाद, और किसी किताब को शायद नहीं पढ़ा, और उसकी असर अंगेजी ऐसी थी कि मेरी बेशतर किताबों में कहीं ना कहीं अत्तार के परिंदे आ जाते, सो मच सो कि भाई मेरे पहले ही नावलट जो है फाख्ता या पखेरू जो है, यानी आज से 40 साल पहले, उनमें वो सारे चीज़ें हैं, खसोखाशाक ज़माने के आखिरी 40 सफ़े वो टोटल फरीदुद्दीन अत्तार से मुस्तार लिए गए, उसी पैटर्न पे लिखे गए। तो एट टाइम्स आई फेल्ट, क्योंकि मुझ पर ऐसी चीज़ें वारद होती रहती हैं, कि मैं भी अत्तार के परिंदों में से था। उसकी जो फैसिनेशन है उन परिंदों के साथ, वो को पिछले जन्म में हम भी परिंदे वगैरह होंगे, तो वो फैसिनेशन कि मैं भी अत्तार के परिंदों में से था और मैं भी उन्हीं की तरह सच की तलाश करना चाहता हूँ। ये अलग बात है कि अत्तार के परिंदों को सच मिल गया और मुझे सच नहीं मिला। चुनाचे ये जो है ये एक मुरीद का एक मुर्शिद को ट्रिब्यूट है कि ये आपके परिंदे थे और ये मेरे परिंदे। वाह। इसमें बहुत सारे तवील गुफ्तगू हो सकती है, और भी बातें करनी, मुश्किल मकाम मेरे लिए आए क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें सेंसिटिव चीज़ें थीं। मेरे जो परिंदे थे उनमें बाकी जो परिंदे थे, यानी उसमें बुद्ध परिंदा है, उसमें मुसलमान परिंदा है, उसमें बिंद्रावन से मतलब एक कृष्ण परिंदा भी आता है, एक ईसा की सलीब से भी एक परिंदा आता है, लेकिन उनके सिवा जो असल परिंदे हैं वो हैं कुरतुल आयन ताहिरा और हल्लाज।
और उनकी जो बूंदे हैं उनसे वो परिंदे पैदा होते हैं। और फाइनली ये मैं बिल्कुल मुख्तसर कर रहा हूँ कि जब ये सारे परिंदे किधर जाते हैं, वो नेशापुर की तरफ नहीं जाते क्योंकि नेशापुर मेरा नहीं है, वो जाते हैं टिल्ला जोगियाँ की तरफ जेहलम के। अच्छा टिल्ला जोगियाँ के बारे में कुछ लोग जानते होंगे। टिल्ला जोगियाँ इस सब कॉन्टिनेंट की सबसे पुरानी जोगियों की आमाजगाह है। 2000 साल पहले आबाद हुई, कनफर्टे जोगी वहाँ पे आए, अलेक्जेंडर आया, उसके तारीखदान ने उसका नक्शा बयान किया उस पहाड़ी का। उसके बाद बेशुमार लोग आए, 47 में वो सिलसिला ख़त्म हुआ, लेकिन वहाँ अकबर भी आया, जहांगीर भी आया, रंजीत सिंह भी आया, बाबा गुरु नानक ने वहाँ चिल्ला काटा, भर्तरी हरि वहाँ पे आया, फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर वगैरह वगैरह। ये वो राजा भर्तरी जो था उसने अपना राज सिंहासन जब छोड़ा था तो वो टिल्ला जोगियाँ आया था, एंड ही डाइड देयर, एंड ही वाज वहाँ पे उसको जो नजरे आतिश करते हैं वहाँ किया गया, ये ऑन रिकॉर्ड। इसी तरह पूरन भगत जो है बहुत मशहूर, पूरन भी भगत वहाँ पे हुआ। और सबसे हमारा जो लाडला है रांझा, वो भी हीर के इश्क में जब नाकाम हुआ तो वो टिल्ला जोगियाँ गया, जहाँ पे उसने अपने कान जो हैं वो उनको फड़वाया और वो जोगी का चुनाचे। ये मुझे बड़ा फैसिनेट करता था, तो मैंने अपने परिंदों को इस जानब उड़ान करवाई। वो वहाँ पे पहुँचते हैं तो क्या होता है वो तो बाद की बात है, लेकिन इसमें तीन परिंदे जो हैं वो हैं, एक साहिबा का परिंदा है, एक हीर का है और एक सोनी का है। और ये तीन परिंदे फिजिकल लव की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, और बाकी परिंदे जो हैं वो स्पिरिचुअल लव की करते हैं। और इनका स्टांस ये है कि जब तक फिजिकल और स्पिरिचुअल आपस में ना मिलें तब तक ये कायनात मुकम्मल नहीं है। तो ये उसका मरकजी आइडिया है। अब पता नहीं कहाँ तक मैं उसको ग्रैस्प कर सका हूँ, ये जो भी लोग पढ़ेंगे वही जान सकेंगे। अच्छा, जो हजरात यहाँ मौजूद हैं तारड़ साहब के रीडर्स हैं, तो मुझे यूँ लगता है कि वो भी पंछी हैं जो इनके किताबों की समझ जाते हैं, और इनकी किताबें शायद हम सब के लिए टिल्ला जोगियाँ ही है। मैं दरख्वास्त करूँगा मारूफ नक्काद, शायर, मुदर्रिस जनाब डॉक्टर ज़ियाउल हसन साहब से कि वो इजहार ख्याल करें तारड़ साहब की फ़न व शख्सियत पर। आप सब की तालियों में डॉक्टर ज़ियाउल हसन। वैसे तो तारड़ साहब ने जितनी बातें कर ली हैं अपने काम के हवाले से वो बहुत बुनियादी अहमियत की हामिल हैं, लेकिन किसी भी तख्लीककार की गुफ्तगू को हम उसके काम की तफहीम में एक हैसियत देते हैं, क्योंकि वो अपने तख्लीकी तजर्बे की रोशनी में देख रहा होता है उसको, और तख्लीकी तजर्बे से जो कारी है वो तख्लीकी तजर्बे से बाहर निकल के उसे देख रहा होता है, उसकी डायमेंशन दूसरी होती है, तो उसे बाज़ औक़ात कोई और मानी भी नज़र आ रहे होते हैं। तारड़ साहब के ज़ाहिर शोहरत की बहुत सी वजूहात हैं, जिसमें एक सफ़रनामा भी है उनका, लेकिन अदब में जो उनका बड़ा मकाम हमारे दिलों में और जो संजीदा अदब के कारीन हैं वो इनकी नावल निगारी के हवाले से है। इनका सबसे ज़्यादा जो नावल ज़ेर बहस रहा हमारी अदबी दुनिया में, यहाँ भी और इंडिया में भी, वो बहाव था। अच्छा, जब हम ये कहते हैं कि एक नावल बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस रहा, तो इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं होता कि दूसरे नावल ज़ेर बहस नहीं रहे या वो कम दर्जे के नावल थे, लेकिन बाज़ औक़ात कोई काम ऐसा क्लिक करता है और मुख्तलिफ़ ज़मानों में मुख्तलिफ़ आदमी, ये जो तख्लीककार है उसकी मुख्तलिफ़ काम क्लिक कर रहे होते हैं, ज़ेर बहस आ रहे होते हैं, ऐन मुमकिन है आज से 40 साल बाद या 50 साल बाद इनका कोई दूसरा नावल, जैसे मंतिक उत्तैर है, अभी ताज़ा हमने इसको पढ़ा है, और ये उनके सारे काम से मुख्तलिफ नावल लगा मुझे। बहाव के साथ राख भी उतना ही ज़ेर बहस रहा, और अभी एग़ज़ाले शब के हवाले से और उसका तर्जुमा भी हुआ, ज़ाहिर है अब उसकी रीडरशिप वसी हो जाएगी और कुछ और लोग भी
जो उर्दू नहीं पढ़ सकते वो उनके उस नावल को पढ़ सकेंगे। तो हर काम की जैसे इनके नावल में दरिया बदल जाता है, वैसे इनके किरदार भी बदल जाते हैं, इनका बयानिया भी बदल जाता है और इनका मौजू और मसला भी बदल जाता है उस नावल में। मेरा ख्याल है कि हम अगर इनके इस नावल को देखें जो अभी ताज़ा तरीन छप के आया है मंतिक-उत-तैर, तो इसमें बुनियादी किरदार जो उसमें इन्होंने बनाया है वो मूसा हुसैन उसका नाम है। अच्छा, मूसा हुसैन थोड़ा सा मुझे तमसीली नाम लगा कि मूसा से हुसैन तक मुझे एक सफ़र नज़र आता है उसमें, और हुसैन में हुसैन बिन मंसूर हल्लाज भी है और हुसैन बिन अली भी हैं। अच्छा, मुझे इस नावल में लगा जैसे तारड़ साहब ने अपने जो तख्लीकी तजर्बा था जो तमाम उम्र में वो अपने काम के हवाले से वक्त के साथ साथ खुद अपने तजर्बे से भी और दूसरे फिक्शन के मुताले से भी सीखा, उसका एक नुक्ता कमाल मुझे उसमें नज़र आया। क्योंकि इसमें दो चीज़ें मुख्तलिफ थीं, एक ये कि इसमें वाकया नहीं है, कहानी हमेशा वाकये से आगे बढ़ती है और ये वाकये के बग़ैर ये पूरा 200 सफ़े नावल के या फिक्शन के वाकये के बग़ैर लिख जाना, और वाकये जो हैं ज़ाहिर है वो इस तरह के हैं कि वो चला गया मूसा जो है टिला जोगियाँ चला गया, और तो ये उस तरह के वाकये नहीं हैं जो कहानी को आगे बढ़ाते हैं, वाकयात निगारी नहीं है, हाँ वाकयात की जहल में भी उस तरह से नहीं आते। और दूसरा, इनका किरदार जो मूसा हुसैन है वो भी उस तरह का किरदार नहीं है जैसे कि अमूमन फिक्शनल किरदार होते हैं जो बहुत एक्टिव होते हैं और फिक्शन में अपना किरदार अदा कर रहे होते हैं, क्योंकि मुझे ऐसे लगा जैसे मूसा हुसैन से ज़्यादा ताकतवर किरदार उसके पीछे पस मंज़र में मौजूद हैं जिनका अभी तारड़ साहब जिक्र कर रहे थे, जिसमें एक अंबिया की लाइन है जो मूसा अलैहिस्सलाम हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हैं, खुद हमारे नबी पाक हैं और दीगर अंबिया हज़रत याहिया का भी उसमें है जिक्र आता है। और दूसरी है सूफिया की लाइन, और सूफिया में भी जो दो बड़े किरदार इन्होंने सेलेक्ट किए वो कुरतुल्लैन है ताहिरा और मंसूर हल्लाज हैं। वो ज़ाहिर है तारड़ साहब जिस मिजाज के तख्लीकी तौर पर हमें इंसान नज़र आते हैं उनको फैसिनेट होना चाहिए था इन दो किरदारों से, क्योंकि ये बहुत फिक्शनल किरदार हैं दोनों। ये तारीखी किरदार भी हैं लेकिन अपने अंदर एक फिक्शनल कुव्वत भी रखने वाले किरदार हैं। अच्छा, उसके पीछे फिर वो हमारी मकामी जो रिवायत है हिंदुस्तान की, जिसमें महाभारत और रामायण वगैरह से जो कहानियाँ और रिवायत हम तक पहुँची वो भी है, और ख़ुद पंजाब की जो कहानियाँ हैं मोहब्बत की कहानियाँ वो भी। अब ये सारा कुछ और फिर मंतिक-उत-तैर तो उसका मरकज़ में मौजूद है ही। अब इस सारे में जो लगता ये है कि ज़माने जो है वो ओवरलैप कर रहे हैं पूरी उस नावल में, और तहजीबें भी ओवरलैप कर रही हैं, ऐसे लगता है जैसे वो किसी एक बड़े ज़माने की तलाश में हैं और किसी एक बड़ी आलमी तहजीब की तलाश में हैं। उन्हें ऐसे लगता है कि जैसे दुनिया के कोई भी तहजीब हो वो हमसे बाहर नहीं, हमारे यानी इंसान के लिए उसकी अहमियत वही एक है जो यानी बड़े सगीर के आदमी के लिए बड़े सगीर ही की तहजीब या इल्मी और फिक्री रिवायत अहम नहीं है, बल्कि दुनिया भर की तहजीबें और दुनिया भर की इल्मी और फिक्री रिवायतें उसके लिए उतनी ही अहम है जितनी अपने खित्ते की तहजीब और फिक्री रिवायत है। और इस सिलसिले में वो सेकुलर नुक्ता नज़र आता है इनके नावल में, जो कि एक आला दर्जे के अदीब का होना चाहिए कि आला दर्जे का अदीब इंसान को बिला तकसीस रंगो नस्ल मज़हब फिक्र ये नुक्ता नज़र अकीदे से मावरा होके देखता है और एक बड़ी इंसानी तहजीब को तलाश करता है। शुक्रिया डॉक्टर साहब। अच्छा हज़रत, बहाव का जिक्र आया है तो मैं थोड़ा जिक्र करना चाहूँगा कि हिंदुस्तान के एक नकाद प्रोफेसर खालिद अशरफ ने कहा था कि अब उर्दू का मुस्तकबिल, उर्दू नावल का मुस्तकबिल लाहौर से वाबस्ता है जहाँ तारड़ रहता है, और ज़हन जदीद के सर्वे में इसका शुमार उर्दू के 10 बेहतरीन नावल्स में किया गया। BBC ने अपने रिव्यू में इसका मुवादना गब्राइल गार्सिया मार्केज़ के शाहकार तन्हाई के 100 साल से किया था। तो तारड़ साहब, एक गज़ल-ए-शब जो आपका नावल है जिसका तर्जुमा भी हुआ लेनिन फॉर सेल,
इसके कई किरदार ऐसे हैं जो हमें लगता है कि हकीकी ज़िंदगी से हैं, कि वो सोवियत यूनियन के जवाल से मुतालिक हैं, तो आप भी उस तजुर्बे से गुजरे, उन्हें कितना फिक्शनलाइज किया, कितने वो हकीकी हैं, ये नो एज़ाले शब्द जो है, बेसिकली मैं 1958 में सोवियत यूनियन गया था इंग्लैंड से, इंग्लैंड के वहाँ एक यूथ डेलीगेशन था, यूथ फेस्टिवल था, उसमें इंग्लैंड के यूथ जा रहे थे, और अब तो आपको गुमान भी नहीं होता कि कभी मैं भी यूथ था, तो मैं उन लड़कों में शामिल हो गया, और हम बग़ैर पासपोर्ट के, रशियंस ने हमें पासपोर्ट इशू किए, उन ज़माने में वो आयरन कर्टन था, वहाँ पे कोई भी नहीं जा सकता था, तो हमने वो आयरन कर्टन पार किया और मास्को में रहे कुछ दो तीन हफ्ते, और उस दौरान निकिता खुरुश्चोव साहब ने हमारी दावत की क्रेमलिन में, और मतलब वहाँ बुल्गारियन भी थे, बेरिया भी थे, काफ़ी जो प्रोमिनेंट बाद में हुए लोग, उनको पहली मर्तबा देखा। बार तब जब वापस आए हैं तो मेरे वालिद साहब ने कहा कि बेटा वापस नहीं अभी आना पाकिस्तान, सोहरावर्दी साहब उन दिनों प्राइम मिनिस्टर थे, और सोहरावर्दी साहब ने, आपको याद होगा कि अरबों के बारे में एक फिक्रा कहा था कि 0+0=0, ये वो वाले सोहरावर्दी साहब थे, तो उन्होंने कहा जी सोहरावर्दी साहब ने बयान दिया है कि ये जो लड़के इंग्लैंड से सोवियत यूनियन गए हैं ये गद्दार हैं, और ये जो ही वापस आएंगे तो हम इन्हें कराची एयरपोर्ट से सीधा मियांवाली ले जाएंगे जेल में। तो बाहर तौर वो जब सोहरावर्दी साहब चले गए तो हम वापस आ गए। दोबारा मेरी कुछ जो हैं किताबों के हिस्से, वो पिछले कुछ 30 बरस से मास्को स्टेट यूनिवर्सिटी का जो उर्दू का निसाब है, जो परमानेंट टेम्परेरी नहीं, उसमें वो शामिल है, चुनाचे 30 साल से वो मतलब पढ़ाए जा रहे हैं। बल्कि मेरे लिए एक बहुत बड़ा कमेंट, जब मैं फिर उन्होंने मुझे लेक्चर्स के लिए इनवाइट किया मास्को यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पे प्रोफेसर गालिना डिशेंको थी, तो उन्होंने मेरे लिए एक फिक्रा ऐसा इस्तेमाल किया जो मेरे लिए शर्मिंदगी का भी हिस्सा है, लेकिन कुछ हर्ज नहीं कि अगर उसमें प्राइड लूँ, तो उन्होंने कहा कि मास्को स्टेट यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो पाकिस्तान को फैज़ अहमद फैज़ की शायरी और तारड़ की नसर के हवाले से जानते हैं। तो अब मुझे इत्तफाक हुआ सोवियत यूनियन को देखने का भी, जो कम्युनिज्म का एक्सट्रीम निज़ाम था, और उसके बाद जो कैपिटलिस्ट रशिया, इसके जो मुवाजना था ये मैं कर सकता था क्योंकि मैंने दोनों निज़ाम देखे हुए। इस दौरान मैं मुख्तलिफ ऐसे कैरेक्टर्स से मिला कि जो मास्को गए तालीम के लिए, क्योंकि उस ज़माने में सोवियत यूनियन खासे स्कॉलरशिप देती थी, और यहाँ इंडिया से, पाकिस्तान से, थर्ड वर्ल्ड से नौजवान जाते थे, वहाँ रशियन सीखते थे, और अक्सर कोई ना कोई वो डिग्री लेते थे या नहीं लेते थे, लेकिन बाहर तौर वो वहीं आबाद इसलिए हो जाते थे कि एक तो रूसी जो लड़कियाँ हैं वो बहुत अच्छी बीवियाँ साबित होती हैं, दूसरा ये कि वापसी पर उन्हें कोई जॉब मिलने का इम्कान कम होता था क्योंकि रशियन में उन्होंने तालीम। सोवियत यूनियन जब टूटा है, एट दैट टाइम देयर वर वीआईपीस, कि वो लोग उनको बहुत अप्रिशिएट करते थे कि ये लोग अपना कल्चर छोड़ के आए हैं, अपना मज़हब छोड़ के आए हैं, अपना मुल्क छोड़ के आए हैं, इसलिए कि हमारी जो जद्दोजहद है सुर्ख सवेरे की, इसमें हमारा साथ दें, देवर वीआईपीस, उनको स्पेशल अलाउंसेज मिले। जो ही डिसइंटीग्रेशन हुई है सोवियत यूनियन, वो बिल्कुल शूदर बन गए, उन पर हमले होने शुरू हो गए कि ये कौन है फॉरनर, यहाँ क्या कर रहे हैं, हमारी लड़कियों से इन्होंने शादियाँ की वगैरह वगैरह। तो ये एक बहुत बड़ी ट्रेजडी थी कि इतना बड़ा ख्वाब जो था, डेफिनेटली कम्युनिज्म जो है वो हिस्ट्री का सबसे बड़ा ख्वाब था, वो खाम साबित हुआ, वो उसके अलहदा हैं सवालात, लेकिन किसी भी फलसफे ने आज तक यूनिवर्सली इतने लोगों को मुतासर नहीं किया, ऐसे फलसफे ने जो आपको आइंदा ज़मानों के ख्वाब नहीं दिखाता कि आप जन्नत में जाएंगे। सवाब का कोई उसमें मसला नहीं, सवाब एक लालच होता है जिसकी वजह से लोग उसकी तरफ जाते हैं, एक जो आइडियालॉजी है जो उससे आप इत्तफाक ना करें बेशक, एक आइडियालॉजी है, एक सेट है ज़िंदगी का, तो अगर उसको लागू करने से वो ख्वाब देखना चाहते हैं, चुनाचे ये ख्वाब मुंतशिर हुआ, और वो जो लोग थे जो इस पर यकीन रखते थे उनके साथ क्या हुआ, ये बुनियादी तौर पे उसकी दास्तान है। इसके साथ ही आज एक बड़ा एक स्पेशल मौका ये है
कि मुझे अक्सर पूछा जाता है इकबाल कि फलां जो है आपका नावल उसमें कैरेक्टर फलां जो है वो हकीकी है या आपने खुद क्रिएट किया है वगैरह वगैरह। और वैसे आई फील के मोस्टली नावल जो होता है वो सेमी ऑटोबायोग्राफिकल होता है, जो मुसन्निफ लिख रहा है उसने अपने तजर्बे और अपनी फीलिंग के हिसाब से लिखना, गुबार से नहीं लिखना। लेकिन इसमें एक मैं बर्लिन में इफ्तिखार मेरे साथ हैं बैठे हुए सामने, आप गवाही दीजिएगा कि बर्लिन में हम दोनों इन्वाइटेड थे, ये मुशायरा पढ़ने गए थे लिटरेटी वर्क स्टार्ट का बर्लिन, और मुझे उन्होंने एज ए रिप्रेजेंटेटिव साउथ ईस्ट एशियन नावलिस्ट राग के लिए इनवाइट किया था। तो एक शाम मुझे को टेलीफोन आया और एक साहब मुझे मिलने आए, उनका नाम था आरिफ नकवी, वो कहानियाँ कहते थे और उन्होंने एक कहानी सुनाई जिसका तासर देर तक कायम रहा। उसके बाद उन्होंने अपने घर मुझे इनवाइट किया और अपनी बेगम से मिलाया खाने के लिए और फिर पुराने किस्से अपने सुनाए। चुनाचे इसमें उनकी बेगम का नाम इंग्रिड था, इस नावल में मरकजी किरदार जो है वो आरिफ नकवी का है। अब आप पूछेंगे कि क्या आरिफ नकवी एग्जिस्ट करते हैं? आरिफ नकवी, ये मेरी खुशकिस्मती है, आई थॉट ही इज़ डेड, ही इज़ नॉट डेड, ही इज़ राइट हेयर इन दिस हॉल। मैं आरिफ नकवी साहब से गुजारिश करता हूँ कि उस स्टेज पर तशरीफ लाएं। ये कहा कि शायद तुम्हारे बारे में दारा साहब ने कुछ लिखा है तो मुझे यकीन नहीं आया। आज तक मुझे यकीन नहीं था कि मैं वही शख्स हूँ जिसके बारे में इन्होंने कुछ लिखा है। अब क्या लिखा है ये भी मुझे नहीं मालूम। इन्होंने मुझे उसमें विलेन बना के पेश किया है या चपरासी बना के पेश किया है या जो भी, ये बहरहाल दारा साहब की तख्लीक है। अब ये कहाँ तक सही है ये आप लोग पढ़ने के बाद फैसला करेंगे। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैंने इनसे माजरत कर ली थी कि ये फिक्शनलाइज मैंने किया किरदार, अनफॉर्चुनेटली मैंने आपकी बेगम को मार डाला उसमें। अच्छा, इन्होंने कुछ ज़्यादा एहतजाज भी नहीं किया। हज़रत, सेशन में सवाल जवाब का सिलसिला भी है, लेकिन उससे पहले मैं दरख्वास्त करूँगा कि हम एक अहद को हमतन गोश होकर सुने। आप सब की तालियों में मुमताज़ नक्काद दानिश्वर जनाब शमीम हनफी साहब। जनाब, मैं इसे अपनी खुशबख्ती समझता हूँ कि एक मोहब्बत की एक कहानी जो 40-45 साल पहले शुरू हुई थी उसमें एक मोड़ ये भी आना था। तारर साहब की दो किताबें उस वक्त छपी थीं, यानी जो मेरे थे जिनके मुताले समय गुजरा, एक तो निकले तेरी तलाश में सफ़रनामा और दूसरी फाख्ता। तो ये किताबें पढ़ने के बाद मैं उन किताबों के साथ साथ तारर साहब का भी आशिक हुआ और ज़ाहिर है कि फिर एक ताल्लुक़ उनसे पैदा हुआ। मुझे वो लोग बहुत जादू भरे लोग लगते हैं, फैसिनेटिंग लगते हैं, जो आसमान से ज़्यादा ज़मीन से मोहब्बत करते हैं। और तारर साहब के फ़न का ये पहलू मुझे वाकई बहुत पसंद आया कि उनके यहाँ तारीख से ज़्यादा अहम जुग्राफिया है। दरख्त, परिंदे, फसलें, दरिया, मौसम, लोग, तरह तरह के लोग। और फिर जाहिर है कि उनके सफ़रनामे की शोहरत तो इस तरह हुई थी कि मैं वाकई हैरान होता हूँ कि इस तरह मैंने किसी किताब को मशहूर और मकबूल होते हुए
कम देखा है। मेरा ख्याल अब भी है, इसके कोई और मायने न लीजिएगा, कि तारर साहब का बुनियादी हुस्न उनका मुसाफिर होना है, सैया होना है, और सफ़रनामा उससे उनके मिजाज की ख़ास मुनासिबत है। नावल में और सफ़रनामे में फ़र्क ये हुआ कि पहले वो बैरूनी दुनिया का सफ़र करते थे, नावलों में उनके यहाँ ये तासुर पैदा होता है कि वो अंदर की दुनिया के सैया बन गए हैं, उसमें वो गहराई आ गई है। ज़ाहिर है कि तारर साहब की किताबें हिंदुस्तान में भी मकबूल हुईं, बहाव बहुत मकबूल हुआ, उसकी एक तारीख़ी हैसियत तकरीबन यानी उसने हासिल कर ली है वहाँ, उस किताब ने। वहाँ कई नावल ऐसे लिखे गए जिनमें पुरानी तहजीब को या अपने आप को अपने माजी के हवाले से ढूंढने की कोशिश की लोगों ने, लेकिन बहाव जैसा जादू मुझे किसी नावल में दिखाई नहीं दिया। वहाँ जो नावल मैंने पढ़ा, तारर साहब की मकबूलियत का मामला ये भी रहा, एक और पहलू जिसमें मेरी कहना चाहिए कि उनसे जो मोहब्बत भरा ताल्लुक़ है उसकी वजह से गुस्ताखी पर भी आप महमूल कर सकते हैं, कि तारर साहब के यहाँ एक चीज़ बहुत अजीबोगरीब है, वो है जिसकी तरफ गेटे ने इशारा किया था, एक नौजवान शायर को मशवरा दिया था उसने कि अच्छी शायरी पैदा इस तरह होती है, कनेक्ट ऑलवेज कनेक्ट, चीज़ों को जो बज़ाहिर दूर दूर अलग अलग दिखाई देते हैं उन्हें जोड़ते जाओ, इसी से इस्तियारा पैदा होता है, अलामतें पैदा होती हैं, नए नए पैकर जन्म लेते हैं। तो तारर साहब की ये हैसियत अमली तौर पर भी रही कि मैंने देखा कि वो अफराद को भी एक दूसरे से जोड़ते हैं, नौजवान लड़कों और लड़कियों को, और उसके साथ साथ एक जो बहुत बड़ी गैरमामूली खूबी उनके यहाँ है वो उनके फिक्शन में ही पाई जाती है, कि बज़ाहिर उनकी कहानी कभी सीधे स्वभाव सफ़र नहीं करती, उसमें बहुत से मोड़ आते हैं, बहुत से तरह तरह के लोग आते हैं, बहुत से सिचुएशंस पैदा होती हैं, और ज़ाहिर है कि वो उसको शायरों की तरह उसे जोड़ते चले जाते हैं, एक कहना चाहिए माला में पिरोते चले जाते हैं। उनके यहाँ जज्बातियत बहुत है, एक ख़ास उसमें रूमानी नुक्ते नज़र उनके यहाँ मिलता है ज़िंदगी में। एक किताब उन्होंने अपनी मुझे दी ग़ार हिरा में एक रात, तो ज़ाहिर है कि मुझे दुनिया में जो शख्सियतें पैदा हुई हैं रसूल अल्लाह सल्लम का एक मामला ये भी है कि मेरे लिए वो तारीख़ है, वो सिर्फ यानी ये कि मेरी सोच का मेरे अकीदे का, उसके साथ साथ हर चीज़ तारीख की शख्सियत, तारीख की रोशनी में नहाई हुई एक शख्सियत जिसके शबूरों से आप वाकिफ़ हैं, आप जानते हैं कि किन रास्तों पर वो चला, किन रास्तों से गुजरा, कहाँ गया। मैंने जब वो नावल इनका पढ़ा तो मुझे वाकई ये ख्याल है कि एक रात की कहानी, एक रात की कई कहानियाँ मैंने पढ़ी, लंदन की एक बार सज्जा रही लेकर मॉडले का नावल थंडर ऑन द लेफ्ट, और इस तरह की कई कहानियाँ मुझे याद आ रही हैं, कभी कुछ याद है जिनमें बहुत कम वक्फे की कहानी बयान की गई, और ये तो एक आलमगीर तजर्बा। तो मैंने वो किताब जब पढ़ी तारर साहब की हमारे हैरान में एक रात, तो मैं हैरान भी हुआ कि वहाँ मुझे भी जाने का, वहाँ तक तो जाने का हौसला मुझ में नहीं हुआ, बच्चों ने मुझे रोक दिया, लेकिन ये कि मैंने उस पहाड़ के दामन में खड़े होकर के ऊपर की तरफ में बहुत देर तक झिकता रहा, ख़ासतौर पर उन लोगों को जो उधर जा रहे थे, उनमें हर उम्र के लोग मुझे दूर से दिखाई दिए जाते हुए, और उसका जिस तरीके से इन्होंने बयान किया है वो एक अजीबोगरीब अंदाज है, ऐसा लगता है कि इन पर वश्त की कैफियत तारी है, और ये कि चप्पे वहाँ गालिबन वहाँ उन्होंने जहाँ तक मुझे याद आता है कि वहाँ जो गालीचा बिछा होगा तो उनको उठा करके वहाँ अपना गालीचा बिछा दिया था, कुछ इस तरह की बात भी सिचुएशन पर पैदा हुई थी जो उसे अकीदत में वहाँ पर, और अंदर जो जुकार में मेरे ख्याल में उस यानी पत्थर की दीवारों का कोई भी गोशा ऐसा ना होगा जिसे उन्होंने चूमा ना हो, तो ये पूरी कैफियत जो मुझे दिखाई दी तारर साहब की शख्सियत में, और ज़ाहिर भी बहुत मकबूल, मैंने उनका वो दौर भी देखा कि लोग उनकी तरफ आई बोसे फेंकते थे, अब उनकी तफसील मैं नहीं बयान करूँगा आपके सामने, लेकिन ये कि मैंने ये आलम देखा अपनी आँखों से, मैं उसका शाहिद हूँ, तो किसी ने ऐसी महबूबियत अगर हासिल कर ली हो तो बड़ी गैरमामूली बात है।
और मुझे याद आता है कि कृष्णचंद्र के बारे में सरदार जाफरी साहब ने उनकी एक किताब पढ़ने के बाद एक राय कायम की थी, गालिबन जब खेत जागे उनका जनावेल है, उसके शुरू में बतौर दीवाचे के जो इबारत शामिल है सरदार जाफरी ने उसमें कहीं ये बात की है कि वो एक बेईमान शायर है जो कभी कभी शेर ऐसे शेर कह जाता है नसर लिखते लिखते कि हम जैसे बहुत से शायर उसका मुँह हैरत से देखते रह जाते हैं। तो ये जादू जो है ये अगर किसी की तहरीर में पैदा हो जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। और जैसा कि मैंने आपसे अर्ज़ किया कि सफ़रनामा लिखने वाले मुझे बहुत पसंद हैं, तारर साहब से पहले मुझे तारर साहब के अलावा जो एक सफ़रनामा मुझे अच्छा, मुझे बड़ी मुश्किल सफ़रनामे अच्छे लगते हैं। एक तो उसका सबब यह है कि आजकल जो लिखे जा रहे हैं सफ़रनामे उनमें ज़्यादातर इब्तिज़ाल पैदा हो जाता है, अक्सर लिखने वाले अपने ताल्लुकात का जिक्र इस तरह से करते हैं कि दोबारा वहाँ जाएँ तो फिर उनकी पज़ीराई उसी तरीके से हो सके, या ये कि उनको उनके एजाज़ में कितनी दावतें हुई कि कहाँ कहाँ उनको कहना चाहिए तस्लीम किया गया, इन सब यूज से उनका सफ़रनामा बिल्कुल पाक था। और एक ख़ातून का सफ़रनामा जो मैंने पढ़ा, मौलाना सलाहुद्दीन अहमद ने पहला सफ़रनामा उनका अदबी दुनिया में छापा था बेगम अख्तर रियाज का, तो वो वाकई मुझे ख्याल आया कि उस सिन्फ को जो वक़ार बख्शा निकले तेरी तलाश में, उसके बाद उनके हंजा दास्तान और यहाँ जो मुख्तलिफ कहना चाहिए पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाक़ों की, उसमें कुछ इलाके ऐसे थे जो मुझे खुशकस्मती से देखने का मौका मिला सैफुलमलूक तक, नारायण कागान शोगरान, ये तो मुझे ख्याल आया कि वाकई ज़मीन से मोहब्बत का एक शख्स हक अदा कर रहा है। और ज़ाहिर सफ़रनामा लिखने वाला अगर उससे इंसानी मोहब्बत का, इंसानी हमदर्दी का, इंसान से ताल्लुक़ का जज्बा अगर ज़ाहिर ना हो तो कोई माने नहीं। अच्छा, इस जज्बे को मैं अब एक कलीदी हैसियत देता हूँ अदब लिखने वालों के लिए। मेरा ख्याल ये है कि इंसान की निजात का भी एक ही रास्ता है और वो है इंसान दोस्ती। दुनिया जिस तरह मुख्तलिफ़ खानों में बटी हुई है, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब में, मुख्तलिफ़ अकायद में, मसलकों में, ज़बानों में, इलाकों में, और अजीब व गरीब मखलूक है ये जिसने नफ़रत करने के इतने रास्ते ढूँढ लिए हैं कि कभी कभी हैरत होती है। तो मुझे हमेशा ये ख्याल आता है कि हर मुझे वही अदीब अच्छे लगते हैं दुनिया के लिखने वाले, और ज़ाहिर है कि उनकी पसंद में, मेरी पसंद में बहुत से जो उन्होंने मुसन्निफ़ों का नाम लिया तो मैंने ज़ाहिर है कि बहुत से लोगों को तो नहीं पढ़ा है, लेकिन बाज़ लोगों से ख्याल आया कि बहुत सी बातें हम में मुश्तरक हैं। बहरहाल मैं इसे अपने लिए इज़्ज़त की बात समझता हूँ कि मुझे इस वक्त उनके सामने बैठने का मौका मिला, और आप सब जो उनके मद्दा हैं, और ज़ाहिर है कि जिस तरीके से मैं उनकी मकबूलियत, मैंने कराची लिटरेचर फेस्टिवल में भी उनको देखा है जो भीड़ उनके गिर जमा रहती थी, और मैंने तो अदाकारों को और क्रिकेट खेलने वालों को ही देखा है कि ऑटोग्राफ के लिए, यानी ऑटोग्राफ हंटर्स एक तरीके से उनका इस तरीके से पीछा करते हों, ताकुब करते हों, लेकिन मैंने किसी अदीब व शायर को तो नहीं देखा इस तरीके से। लेकिन तारर साहब को वाकई जब मैं देख रहा था मुझे हैरत हो रही थी कि रूस के बारे में सुना कि रूस ने इनकलाब के बाद बड़ा कहना चाहिए कि एक बड़ा अदब तो शायद इनकलाब के बाद नहीं पैदा किया, लेकिन बड़ा कारी उसने ज़रूर पैदा किया है, और वहाँ ज़ाहिर है कि उससे इनकलाब से पहले जो अदब लिखा गया वो गैर मामूली था, उसके हम सब के सब मद्दा हैं, लेकिन वहाँ के कारीन जिस तरह मोहब्बत करते हैं अपने अदीबों से, वो मैंने देखा कि उर्दू ज़बान, ये पसमानदा ज़बान, ये वो ज़बान जो आमतौर पर ऐसी बातों में उलझी रहती कि उसको अपने अदीबों से मोहब्बत करने का ख्याल भी कम कम आता है, और वो तारर साहब से इस ताल्लुक़ का इजहार करें तो वाकई मुझे भी एक फ़ख्र का एहसास होता है। बहरहाल तारर साहब बहुत ये एक सिलसिला, एक रस्म राह जो चली आ रही है पिछले 40-45 साल से, मुझे खुशी ये है कि आप अभी यहाँ हमारे सामने इस तरह मौजूद हैं, माशाल्लाह सेहतमंद हैं, वैसे ही खूबसूरत हैं, और मुझे ये वाकई, बहरहाल उम्र में मैं इनसे थोड़ा सा बड़ा हूँ ये मानते नहीं इस बात को बच्चे, लेकिन ये कि बहरहाल मेरी दुआ ये है कि तारर साहब इसी तरह कायम रहें। और एक शख्स जो इस तवातुर के साथ लिखता है, मैंने कुरतुल हैदर एनी एनी आपा को देखा है, उनकी खिदमत में मुझे नियाज हासिल था, हम लोग एक दूसरे के नेबर्स भी थे, कि उनका भी एक वक्त मुकर्रर था कि बैठ जाती थी अपनी मेज़ पर जा करके और रोज़ लिखती थी। इस तरह रोज़ लिखने वालों में मैंने और कुछ अपने अदीब दोस्तों को देखा जो उर्दू के अदीब नहीं हैं,
वो रोज़ बैठ जाते हैं एक मुअय्यना वक्त पर और लिखना शुरू कर देते हैं। और वाकई मेरे ख्याल में अदब जब तक ये बाकायदगी ना पैदा हो आप बहुत नहीं लिख सकते। और ज़ाहिर है कि बहुत अच्छा लिखने के लिए भी शायद ज़रूरी यही है कि ये तार कभी टूटने ना पाए कहीं और एक सिलसिला मुसलसल जारी रहे। बहरहाल तारर साहब की मंतुक तैर, ये कल रात मैंने इसके कुछ सफ़ात पढ़े तो मुझे ख्याल है कि इसमें कहीं कहीं तो मुझे फ्री एसोसिएशन ऑफ थॉट का बिल्कुल यह है कि आज़ाद तलाज में ख्याल है, यानी यूलिसिस की झलकियाँ भी कहीं कहीं मुझे दिखाई दी इसमें। लेकिन ये कि जिस तरीके से उन्होंने अफराद को, तारीख़ को, जोग्राफिया को, तसव्वुफ को, मादी ज़िंदगी के तजर्बों को, और उसमें भी कोई एक जो गैर मामूली रोशन ख्याली उनके यहाँ मिलती है, यानी जैसे अल्लामा इकबाल का सफ़रनामा जावेदनामा एक ज़ाहिर है कि वो एक किस्म की ओडिसी भी है, एक रूहानी ओडिसी है एक तरह की। तो इस किताब में भी जो आसार मिलते हैं मुझे, तो बस ये है कि मुझे उस लम्हे से डर लगता है जब माबद तबीयात से शगफ बढ़ते बढ़ते वो शक्ल अख्तियार करे कि आप सबसे पॉपुलर लिटरेचर जिस तरह का यहाँ मैं उन्हें बास मुसन्निफों के बारे में सुना है या उनकी कुछ किताबें मेरी नज़र से गुजरी एक साल में मुझे, तो उससे मैं बहरहाल ये नहीं चाहता कि वो रास्ता बहरहाल उस पर बहुत। और जिस किस्म की जीती जागती ज़िंदा तहरीरें आपके कलम से अब तक निकलती रही हैं हम तो तवक्को करते हैं उसी तरह की। और सफ़रनामे को वक़ार आपके सफ़रनामों ने अता किया है, सफ़रनामा भी आप लिखिए, सफ़र भी और कीजिए आप। और लेकिन ये कि इसी के साथ साथ जो फ़िक्शन ये लिख रहे हैं, शेर कहने की इनको ज़रूरत इसलिए नहीं कि सारा शायरी का सारा काम ये अपने फ़िक्शन में भी ले लेते हैं उस। बहरहाल बहुत मैं खुश हूँ आज यहाँ इस शाम के साथ जो वक्त यहाँ गुजरा, और तारर साहब को मुझे बहरहाल दुआ करता हूँ कि हम दोनों इसी तरीके से एक दूसरे को कम से कम आपको खुशी हूँ हो, मुझे तो खुशी हो रही। शुक्रिया। तारर साहब की मकबूलियत का जिक्र हुआ तो मेरे नज़दीक वो मकबूलियत तारर साहब और उनके रीडर्स के दरमियान मोहब्बत के हम वक्त जारी रहने वाले तबादले का नाम है। तो चलिए उन रीडर्स की तरफ चलते हैं, हम शुरका से सवालात लेंगे, वक्त कम है, मुख्तसर सवालात कीजिएगा। बेहद मुख्तसर सवाल है तारर साहब, मैं सामने ही बैठा हूँ, बिल्कुल सामने यहाँ आपके लेफ्ट, आप कहीं भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, आप कहें नहीं, आप देख किस तरह रहे थे, आपने बेशुमार नॉवेल्स और सफरनामों के बाद टेलीविजन के लिए भी आपने लिखा, ड्रामे लिखे थे आपने, तो इतने नायाब और इतने अच्छे ड्रामे सूरज के साथ साथ, हजारों रास्ते, परिंदा और दीगर बहुत खूबसूरत खेल आपने लिखे, तो टेलीविजन भी अब भी सुना है आपके उस फिक्शन से, आपके उस रोमांस से, तो आप एक तो टेलीविजन के लिए नहीं लिख रहे, दूसरा अब हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह फिल्म दोबारा से रिवाइव हुई है, तो आप फिल्म क्यों नहीं लिखते जबकि आप फिल्म बहुत अच्छी लिख सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। टेलीविजन राइटिंग और फिल्म के मुताबिक बेसिकली ये जो सेशन है सिर्फ मेरे लिटरेचर के हवाले से है, वरना 50 बरस मैंने मीडिया में गुजारे हैं, उसके लिए एक अलहदा सेशन होना ज़रूरी, तो उस सेशन में आप ये सवाल पूछिएगा, यहाँ सिर्फ लिटरेचर क्या वो तवील जवाब है उनके ना। जी जी तारड़ साहब, इन्होंने एक सेकंड, इन साहब ने सवाल किया आगे कि तारड़ आपने मुस्तनसिर हुसैन तारड़ खुद ही लिखा, तो एक दफ़ा दिलदार परवेज भट्टी मेरा इंटरव्यू कर रहे थे, स्लाइटली मुतफनी शख्स थे, मुझे कहने लगे जी आपने अपना ये मुश्किल नाम क्यों रख लिया है। मैंने कहा भाई आपके यहाँ ये रिवाज होगा कि बच्चा पैदा होते ही खुद अपना नाम रखे, हमारे यहाँ माँ बाप रखते हैं तो फिर मैं जी सवाल कीजिए आप जी। तारड़ साहब इंतहाई अदब के साथ, मगर एक गुजारिश है, सवाल तो नहीं है, आपने अपनी गुफ्तगू के शुरू में थर्ड जेंडर का की बात कही तो उससे तो बेचारे बहुत से लोग आपको नहीं बताएंगे, लेकिन दूसरी बार जो आपने कहा करंटे करंटी तो उससे हमारे मसीही भाई बहनों की दिलाजारी हुई है। अच्छा। जिसके लिए आपको माजरत करनी चाहिए। अच्छा मैं ये अर्ज कर दूं कि क्योंकि आप उस अहद की नहीं है, हमारे यहाँ इसको मायूब नहीं समझा जाता था,
ये एक बिगड़ी हुई फॉर्म थी क्रिश्चियन और क्रिश्चियनिटी की, और ये मामूल था लाहौर में कि जो अपना क्रिश्चियन हमारे दोस्त थे हम उनको करंटे कहते थे और वो हमको मुसले कहते थे। चुनांचे इसमें कोई दिल आज़ारी वाली बात नहीं है, आप चूंकि उस कल्चर से वाकिफ नहीं, ये एक मोहब्बत की, इसमें आप मोहब्बत की थोड़ा सा आमेजिश करें ना कि जब एक खातून हमारे ज़माने में साइकिल चलाती जा रही हो, आप उसको कहें कि ये एक ईसाई औरत जा रही है, वो बात नहीं बनती कि करंटी जा रही है ना। मेरे एक सवाल है, बस आखिरी सवाल है प्लीज, आखिरी सवाल होगा मेरा, मुख्तसर कीजिएगा। फरीदून बरकी नाम है मेरा, जनूबी वज़ीरिस्तान से ताल्लुक है, और मैं ये सवाल करना चाहूँगा कि आपके सफ़रनामों में फाटा का जिक्र नहीं है, तो इस तरफ आपने सफ़र नहीं किया या अगर किया? फाटा का जिक्र नहीं होता, वो अभी शामिल नहीं ना किया गया था पाकिस्तान में, अब कर दूंगा। हजरात ये बावकार बेशकीमत सेशन अपने अख्तिताम को पहुँचता है, मैं आप सब से दरख्वास्त करूँगा अपनी तालियों में खराज तहसीन पेश कीजिए इस अहद साज तख्लीक कार को जो आज हमारे साथ मौजूद है। कार साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया।